हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एक न्यू वीडियो न्यू वीडियो में न्यू रिक्वायरमेंट के साथ जो काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है और हंड्रेड प्लस जॉब है इसमें गाइस जो सबसे पहला हमारा रिक्वायरमेंट है वो कुवैत के लिए है वीज़ा फ्री है हाउस ड्राइवर चाहिए दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड में मतलब ड्राइवर में ही कुवैती लाइसेंस वैलिड या एक्सपायर्ड या ओरिजिनल कॉपी मतलब चाहिए उनको मतलब कुवैत का लाइसेंस चाहिए साथ में सैलरी होगा एक सौ चालीस के डी फूड प्लस एकोमडेशन खाने पीने का भी देगा एकोमंडेशन रहने के लिए देगा एनी जी सी सी लाइसेंस वैलिड अगर दूसरा जो कुवैत के लिए था अगर आप दूसरे कंट्री से हैं मतलब दूसरे कंट्री में काम कर चुके हैं उनके लिए एक सौ बीस सैलरी लगेगा डिपार्चर विद इन ट्वेंटी डेज़ में आपको ये और भेजेगा गाइज आप लोग में से जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो अपना सी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजें इनका जो जी मेल है उन उन पे या फिर इनका जो मोबाइल नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करें ये सी वी सेलेक्शन होगा प्रोसीजर में उनसे क्लाइंट का मतलब हाउस ड्राइवर है तो वहाँ का जो क्लाइंट होगा उनसे वो डायरेक्ट बातचीत करके आपका सलेक्सन हो जाएगा गाइज़ अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ गाइज ये रिक्वायरमेंट uh, कतर के लिए है जो वैलेट पार्किंग के लिए जो है लाइट ड्राइवर चाहिए कतर ड्राइविंग लाइसेंस ऑनली इनको चाहिए हंड्रेड टोटल रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है और ये रिक्वायरमेंट जो है आपको सैलरी इसमें आपको पंद्रह सौ कतरे रियाल प्लस तीन सौ कतरे रियाल जो देगा फूड के लिए देता है ये लोग वह देगा और एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन और टिप्स ये अलग है जो कंपनी की तरफ से दस घंटे की ड्यूटी है एज लिमिट जो है इक्कीस साल से बयालीस साल का होना चाहिए जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी में आते हैं एशियन मैन पावर सर्विस को अपना जी मेल इनका ई मेल जो है उन पर टोटल डॉक्यूमेंट्स और कतर का लाइसेंस का फ़ोटो कापी सी वी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये जो भी है आप इनको आ, भेजिए मेल कीजिए और ये सी शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद इसी सी दोनों पासपोर्ट चलेगा इंटरव्यू टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा जो आफ्टर सी वी के बाद तो गाइज़ आप लोग अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए और अपना सीट बुक कीजिए गाइज़ अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ ये रिक्वायरमेंट जो है आपको सऊदी अरेबिया के लिए है जो कि आपका सऊदी अरेबिया में कंपनी का नाम कोई मतलब कोरियन कंपनी है कंस्ट्रक्शन कंपनी कोरियन कंपनी है इसमें सिविल फोरमैन स्टील फिक्सर चार्ज हैं सटरिंग कारपेंटर चार्ज हैं मेसन चार्ज हैं स्टील फिक्सर्स सटरिंग कारपेंटर्स मेसन होल्डर और वॉल पेंटर्स ये सभी की ज़रूरत है और ये सब अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए और वाइज इस जॉब में फूड एकोमोडेशन ओटी सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करेंगे नंबर ऑफ uh, जो uh, वंट है वो ज़्यादा है वैकेंसी लार्ज है ठीक है गाइज मिनिमम फाइव ईयर एक्सपीरियंस चाहिए रिक्वायर्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट का गल्फ एक्सपीरियंस प्रेफेड मतलब गल्फ गल्फ का जो बंदा रिटर्न है उसको पहले ये लेंगे और उसमें भी जो पहले बंदा कोरियन कंपनी में काम किया हुआ है उनको ये लोग पहले हायर करते हैं तो के एस एट द रेट एशिया पावर डॉट कॉम में अपना सी वी रिज्यूम भेजें अपना जो भी डेजिग्नेशन के साथ टोटल डॉक्यूमेंट्स अटैच करके लाइक सीवी पासपोर्ट कॉपी एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स सो ये सब जो है उसके बाद वहाँ आपको स्काफोल्डर का एक आ, कार्ड बनता है स्काफोल्डर ट्रेड टेस्ट होता है उसका कार्ड होता है वहाँ पे थर्ड पार्टी वो भी उनके साथ अपना मेंशन करना ताकि आपका जल्द से जल्द ज़्यादा से अच्छा से अच्छा जल्दी काम हो जाए गैज़ अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ ये भी रिक्वायरमेंट जो है वो कतर के लिए है जो नैस कंपनी है हस हसन ने इस करके कोई कंपनी है उसका रिक्वायरमेंट है ये भी सेल्फ सिलेक्शन है इंडियन और जीसीसी एक्सपीरियंस दोनों बंदे को चाहिए ऑफर लेटर सात दिन के अंदर में मिलेगा इलेक्ट्रिशियन और एसी सी टेक्नीशियंस दोनों मतलब चाहिए सैलरी एगारह सौ से बारह सौ कतरे रियाल दोनों का होगा फ्री फूड होगा फ्री एकोमडेशन होगा फ्री ट्रांसपोर्टेशन है इंश्योरेंस है और आठ घंटे की मतलब ड्यूटी है गाइस टोटल डॉक्यूमेंट्स के साथ गोल्डन मैन पावर कंसल्टेंट्स जो है उनको उनके रिज्यूम पे सॉरी ईमेल आईडी पे आप भेज दें पूरा रिज्यूम डॉक्यूमेंट्स जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट उसके बाद जो भी आपका ट्रेड टेस्ट कार्ड है उस कार्ड का फ़ोटो कापी उसके बाद आपका पासपोर्ट ये सब जो है आप इनको मेल कर दें ठीक है और इनका मोबाइल नंबर भी है उनसे भी बात करके आप बता के आप इनका टोटल जो डिटेल है वो ले सकते हैं और गायज अब हम ये रिक्वायरमेंट के बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है ये रिक्वायरमेंट गाइस डायनामिक के तरफ से पब्लिश हुआ है जो सऊदी अरेबिया के लिए इनको चाहिए कि बे कॉरन कंपनी के लिए ये लिस्ट किए हैं और जो कारपेंटर चाहिए उसके बाद इसका फोल्डर चाहिए उसके बाद मेसन चाहिए स्टील फिक्सर चाहिए और लेबर चाहिए ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव been Korean एक्सपीरियंस मतलब कि Korean एक्सपीरियंस कंपनी का अगर कोई काम किया हुआ बंदा उनको पहले फिर फिर करेंगे उसके बाद गर्ल्फ़ एक्सपीरियंस वाले को उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट बचता है तो फिर इंडियन एक्सपीरियंस वाले को गाइज इनका इन्होंने अभी तक कुछ मैंसन नहीं किया जैसे सैलरी क्या होगा कितना रिक्वायरमेंट है उसके बाद कितने कितना घंटा ड्यूटी करना है तो कोरियन कंपनी है तो अगर कम भी सैलरी लगता है तो डबल तो फिक्स है अगर आपका अगर हज़ार अगर अगर हज़ार रियाल सऊदी रियाल अगर लगता है सैलरी तो मिनिमम आप मान लीजिए कि आपका सत्रह सौ से अठारह सौ रियाल जो है सैलरी आपको मिलने वाली है तो गायज़ जल्द से जल्द अपना ए डायनामिक सर्विस जो डायनामिक ऑफिस है उनको आप रिज्यूम भेजिए अपना टोटल डॉक्यूमेंट्स भेजिए सर्टिफिकेट भेजिए और अपना सीट बुक कीजिए फिर इन्होंने आपको बताना है कि कब इंटरव्यू है वो उस डेट में आप जाकर अपना इंटरव्यू दीजिए और अपना जॉब को सिक्योर कीजिए गाइस इसी के साथ हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं ये रिक्वायरमेंट गाइस आया हुआ है ओमान के लिए और ये गाइस बीस कल ही इंटरव्यू है आप जल्द से जल्द कल इंटरव्यू में शामिल हो जाइए मैं इनका एड्रेस बता देता हूँ आप में से अगर कल तक कोई वीडियो देखता है अगर इंटरेस्टेड है जो डेली में क्योंकि इसका इंटरव्यू डेली में है दिल्ली में आपको जो से, सेवन सेज बिजनेस सॉल्यूशंस है मालविया नगर दिल्ली मालविया नगर में ये है और इनके आप ऑफिस पे जाके कल इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं इनके पास इनका जो नंबर है जाहिद एट द रेट सेवन सेज़ जॉब्स डॉट कॉम पर कॉन्टेक्ट करके आ, मेल आईडी पे सीवी वगैरह भेज दीजिए अभी का अभी और कॉन्टैक्ट कर लीजिए और अपना जो है इंटरव्यू दीजिए गाइज इसके लिए बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है जैसे मेंटेनेंस सुपरवाइज़र है इलेक्ट्रिशियन है एसी टेक्नीशियन है स्टोर कीपर है हैंडमैन है उसके बाद प्लम्बर है और उसके बाद कन्फेक्शनरी और हलवाई ये भी इनको चाहिए गाइज इसके लिए मतलब जो जॉब डिस्क्रिप्शन में इनका एक्सपीरियंस चाहिए आपको बिल्डिंग मेंटेनेंस का और स्प्लिट पैकिंग ए के लिए कैटरिंग के लिए स्टोर कीपर का कैटरिंग फूड स्टोर के का चाहिए उसके बाद हैंडीमैन प्लम्बर सब बिल्डिंग मेंटेनेंस का अगर आप किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कीजिए गाइस फ्री फूड होगा एकोमडेशन होगा और दस घंटे की ड्यूटी है छः दिन मतलब वीकली है मतलब ड्यूटी करना है सिक्स डेज और गाइस इसी के साथ हम बढ़ते हैं जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारा उसके तरफ गाइस ये भी टैक्सी ड्राइवर का रिक्वायरमेंट है जो दुबई के लिए है और दुबई में काफ़ी मतलब रिपोर्टेड कंपनियाँ उसमें जो है आपको टैक्सी ड्राइवर चाहिए जो एम घी वाला की तरफ से ये डिस्प्ले किया गया है टैक्सी ड्राइवर शुड बी कैंडिडेट शुड बी मिनिमम थ्री ईयर एक्सपीरियंस इन द रिले मतलब कि आपको टैक्सी ड्राइवर में तीन साल का एक्सपीरियंस मतलब मांगता है मतलब होना चाहिए गल्फ़ एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए कम से कम मैट्रिक साथ में आपको अगर यू का लाइसेंस है तो मोस्ट वेलकम है सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी अदरवाइज मतलब जो इसके पास नहीं है उनको भी ये हायर कर रहे हैं थोड़ा सैलरी जो होती है थोड़ी कम होती है यही डिफरेंट होता है दो चार सौ और का जो है डिफरेंस होता है आप लोगों में कहीं भी आप जाइए अगर इंडियन एक्सपीरियंस है तो सैलरी थोड़ा कम होता है गल्फ़ एक्सपीरियंस है तो एक दूसरे एक्स्ट्रा जो है आपको मिल जाता है चाहे मिल जाता है गैस अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ यह रिक्वायरमेंट काफ़ी हेवी रिक्वायरमेंट है जो कतर के लिए है और ये कतर वाला रिक्वायरमेंट जो है आपको अम्बे इंटरनेशनल की तरफ से शेयर किया गया है ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है और ये जो कंपनी है वो अच्छी कंपनी ऑयल एंड गैस कंपनी है और इसमें ये रिक्वायरमेंट फ्री रिक्वायरमेंट है एक से दो महीने का शट डाउन है और गाइस ये जो है बहुत जल्दी डिपार्चर करने वाले हैं ऑफर लेटर जो है आपको इंटरव्यू के साथ ही मिल जाएगा और गाइस इसके लिए जो है आपको जो है सबसे पहले मैकेनिकल सुपरवाइज़र चाहिए मैकेनिकल फोरमैन चाहिए मैकेनिकल इंस्पेक्टर चाहिए पी टी डब्ल्यू क्यू सी चाहिए उसके बाद पाइप फिटर चाहिए पाइप वाशर चाहिए पाइप फायर वाशर चाहिए मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए इलेक्ट्रीशियन चाहिए साइट कोऑर्डिनेटर चाहिए स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर चाहिए मैकेनिक चाहिए वेल्डर चाहिए रिगिंग ंग सुपरवाइजर चाहिए रिगिंग फोरमैन चाहिए एच ऑफिसर चाहिए जो निबूस होना चाहिए पाइप फैब्रिकेटर चाहिए उसके बाद सी वेल्डर चाहिए जी टी उसके बाद होल वाचर चाहिए जो फायर वाचर के ऊपर आता है गाइज रिगर भी चाहिए स्टोर कीपर भी चाहिए इंडस्ट्रियल पेंटर चाहिए एफ सी वेल्डर चाहिए सी एच मैकेनिक चाहिए और स्ट्रक्चर फिटर चाहिए गाइज ये सभी रिक्वायरमेंट है ऑल कैंडिडेट शुड हैव गल्फ एक्सपीरियंस और पच्चीस से पैंतालीस मतलब कि एज जो है वो बंदा चाहिए शॉर्ट लिस्टिंग है अम्बे ऑफिस में अठारह बाईस तक बाईस जनवरी तक उसके बाद इंटरव्यू कब होगा ये आपको बता देंगे जब इनके पास आप रिज्यूम अम्बे साइट और जो ईमेल आईडी उन पे भेजिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब करना चाह रहा था जो अभी जस्ट मुझे याद आया है मैं गैस में ये बताना चाह रहा था कि ये सब रिक्वायरमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है मतलब कि आप जितना जल्दी इसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को पहुँचाइएगा उतना जल्दी इसका फ़ायदा ले पाएंगे अगर आप देख के खुद रुक जो तो मतलब नहीं हो पाएगा आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि हार्डली वन वीक का टाइम होता है इंटरव्यू का सो दैट्स वाई मैं मतलब कहना चाहता हूँ आप लोग को प्लीज़ इसको आप शेयर कर दिया कीजिए और मेरा आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो लेटेस्ट अपडेट होगा वो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा गाइज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरा चैनल बहुत ही आपसे रिक्वेस्ट है और गाइज सबसे बड़ी बात मैं एक और बताना चाह रहा था कि ये जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा ना वो सत्ताईस जनवरी को होगा एस आर इंजीनियर्स के पास और उसके बाद जो है दूसरा रिक्वायरमेंट जो है गाइज और तेईस जनवरी को जो है अनूपटेक में होने वाला है बाईस जनवरी तक हाँ तेईस जनवरी को गाइस अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं ये रिक्वायरमेंट भी काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है गाइस ये गाइस ये रिक्वायरमेंट आपको जो आया है वो ऑफिस का नाम सफ़र करके एक कंसल्टेंसी है उसके पास से आया है मालता के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए जो मिनिमम तीन साल का एक्सपीरियंस चाहिए विद इन द सिमिलर रोल के साथ एन कोर नॉलेज होना चाहिए दो हज़ार से तीन हज़ार यूरो जो है इनको सैलरी मिलने वाली है दूसरा फिनलैंड का हाउस कीपिंग स्टाफ चाहिए मेल फीमेल दोनों इसके लिए सोलह सौ पचास यूरो सैलरी मिलने वाला है इनको उसके बाद फिनलैंड के लिए नर्स चाहिए मेल फीमेल इनको एम एस सी बी एस सी या अठारह सौ यूरो सैलरी होगा इनका उसके बाद वेल्डर चाहिए इनका दो हज़ार से पच्चीस हज़ार सैलरी होने वाला है यूरो में गाइज मिग टिग और मैग ठीक है और सऊदी अरेबिया के लिए कॉपर निकल वेल्डर चाहिए जिनकी सैलरी पच्चीस सौ से तीन हज़ार सैलरी है गाइज इस सब में जो है एक चीज कॉमन है कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाउस कीपिंग सब जो है एक्सपीरियंस चाहिए वेल्डर भी उनसे एक्सपीरियंस चाहिए और जो नर्स है मेल फीमेल वो पैंतालीस से, से कम एज होना चाहिए एम इसका जो एजुकेशन होना चाहिए एम होना चाहिए बी होना चाहिए जी होना चाहिए और एन होना चाहिए वेल्डर के लिए कोई ये नहीं है पास इंजीनियरिंग स्पीकिंग टेंथ पास होना चाहिए और इंग्लिश थोड़ा बहुत स्पीकिंग चाहिए फाइव ईयर का अगर एक्सपीरियंस है इंडियन गर्ल्फ वो चलेगा उसके बाद हाउस कीपिंग के लिए जो स्टाफ है उसके लिए डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट होना चाहिए टू ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम थ्री स्टार होटल का होना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट है सोलह सौ पचास यूरो सैलरी लगेगा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जो है मिनिमम तीन साल एक्सपीरियंस चाहिए विद इन ए सिमिलर स्टोर स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस विथ नेट और फ्रेमवर्क एंड डॉट नेट कोर एक्सपीरियंस विथ सी सी एच एम बी सी एम एस एस सी एस क्यू एल एंड वेब ए पी आई उसका नॉलेज ऑफ वी एस टी एस डेपर एंड रेबिट रेबिट एम क्यू उसके बाद जो है गाइज़ आर कंसिडर्ड द बेनिफिट फ्लूंट इन इंग्लिश इंग्लिश मस्ट है गाइज क्योंकि ये सब गल्फ़ का सॉरी यूरोप कंट्री का रिक्वायरमेंट है तो इसमें तो इंग्लिश मस्ट है आपके बिना इंग्लिश का काम नहीं करने वाला है तो गाइज़ इसी के साथ uh, हम चलते हैं अपना नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ जो रिक्वायरमेंट है गाइज़ ये रिक्वायरमेंट जो है फूड टेक्नोलॉजिस्ट uh, चाहिए जो कतर के लिए ये बैचलर डिग्री इन फूड टेक एंड एक्सपीरियंस मस्ट मतलब कि बैचलर डिग्री का जो फूड का होता है वो होना चाहिए बी जो भी हो बैचलर डिग्री वो होना चाहिए और एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए इंडियन और गल्फ़ एक्सपीरियंस दोनों मांग रहे हैं और इनका जो सैलरी है वो दो हज़ार से पच्चीस सौ कतरी रियाल इंडियन एक्सपीरियंस वाले को पच्चीस सौ से तीन हज़ार कतरी रियाल वाले एक कतरी एक्सपीरियंस मतलब गल्फ एक्सपीरियंस वाले को गाइज इसके भी आप जो ये मेल आई है इनका इन पर आप सी और टोटल जो रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स भेजिए और अपना सी वी शॉर्ट लिस्ट कीजिए उसके बाद इंटरव्यू कब होगा ये आपको बता देंगे कब आना है इंटरव्यू के लिए या फिर इंटरव्यू फानी इंटरव्यू होगा ठीक है और गाइस ये सब रिक्वायरमेंट जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है गाइस प्लीज़ आप ज़रूर सबको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को थैंक यू सो मच देखने के